रहा हूँ, नंबर लाइन पे एक तो अंडर रूट थ्री दिखाना है और एक माइनस अंडर रूट थ्री दिखाना है। कैसे करेंगे बताता हूँ। अंडर रूट थ्री के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो वन और एक अंडर रूट टू, और फिर अंडर रूट टू के लिए इधर वन फिर इधर वन। तो पहले मैं क्या करूँगा, स्केल से एक सिंपल सी 2 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। वन के लिए मैं इधर से भी ले सकता हूँ ये वाला, तो ये यहाँ पर रखूँगा मैं जीरो के जीरो से, और ये यहाँ पर, ये यहाँ से इसके आगे तक रख दिया मैंने। और फिर इससे 90 डिग्री के लिए ये यूज़ करूँगा मैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आपके प्रोटेक्टर जी डी से भी बना सकते हो। ये इसके अंदर लेकर के मैंने हल्का सा बनाया, और फिर ये यहाँ पर वन, आप चाहो जिस तरीके से बना सकते हो, ये हो गया। इस तरफ जो चलेंगे वो क्या रहेंगे, प्लस के अंडर रूट थ्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इस तरीके से ही बना सकता हूँ, दोनों तरीके से बना करके देखेंगे अपन। तो ये आपका आ गया अंडर रूट टू। फिर इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, थ्री आया ना, नहीं ये वन और ये वन, तो ये अंडर रूट टू है। इस अंडर रूट टू के ऊपर ये अंडर रूट टू है, ये वन और वन क्या हो गया अंडर रूट टू। इसके ऊपर फिर मैं 90 डिग्री का बना करके और फिर लूँगा, तो ये जो नेक्स्ट वाला बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट थ्री। तो यहाँ से मैं फिर इसके ऊपर एक 1 इंच का ये ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, ये लिया। अब यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू के ऊपर ये यहाँ से 1 को मैं यहाँ से ये करूँगा, तो ये 1 और ये अंडर रूट टू यहाँ तक, तो अंडर रूट टू और 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री। तो ये अंडर रूट थ्री आपका पॉजिटिव हो गया, ये इधर ये ध्यान रखना, अंडर रूट थ्री आ गया ये इधर। अब मान लो ये इसके आगे आपको जो भी बनाने वो आगे बना सकते हैं। अब आपको बनाना है जैसे कि माइनस अंडर रूट थ्री, तो माइनस अंडर रूट थ्री के लिए क्या करूँगा मैं, लाइन यहाँ से लेकर के, पहले मैं इधर तक लाइन खींच लेता हूँ, ये आपका शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर ये इस तरफ चलेगी। अब मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री का किस तरफ बनाऊँगा मैं, 90 डिग्री का जो है, अब जैसे ये था इस तरफ बना रहा था, ठीक है, अब मैं इस तरफ नहीं बनाऊँगा, किस तरफ बनेगा मेरे जो लेफ्ट, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में बन रहा था, अब ये लेफ़्ट के अंदर बनेगा। ये 90 डिग्री का ये एंगल, ये 1 का ये लिया मैंने, ये इसको मैं 1 इंच तक इसको लूँगा मैं, ये 1 इंच तक लिया, ये 1 और 1 मिलकर के ये कितना हो गया, ये अंडर रूट टू हो गया, ये अंडर रूट टू हो गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर रखूँगा, कहाँ पर रखना है, यहाँ पर, और यहाँ रख कर के और मैं यहाँ से इसको ये काटूँगा, फिर इसके ऊपर से फिर मैं अंडर रूट टू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आगे तक करूँगा मैं, और फिर इसके अंदर ये यहाँ से 1 इंच का ये ले लूँगा मैं, तो 1 इंच ये यहाँ से लिया, और इसको इस तरफ करके ये 1 इंच से ही फिर मैं यहाँ से लेकर के ये जोड़ा, तो ये जो है ये अंडर रूट माइनस का अंडर रूट टू माइनस आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो अंडर रूट टू है आप चाहो तो, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है वो अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री है। ये जीरो के इस तरफ है, ये जीरो के इस तरफ है, ठीक है। अगर वैल्यू जीरो के इस तरफ आ रही है तो ये प्लस के अंडर रूट थ्री है, और जीरो के इस तरफ आ रही है तो ये माइनस अंडर रूट थ्री है, इसको ध्यान में रखना है।